बढ़िया नहीं बूम लगाते बैठेंगे नहीं होगा, पब्लिक पब्लिक जमा हो जाएगी, पब्लिक जमा हो जाएगी यार, समझते नहीं यार, कुछ ना चालू कर दिया एक सेकंड में बूम पे कर ले, अरे बूम देखिए जल्दी करते हैं, जल्दी कर लेते हैं। हाँ, बिग बॉस के बारे में जैसे आप लोगों ने पूछा, मुझे अच्छा नहीं लगा अफसाना जिस तरीके से निकले, और मैं हमेशा बिग बॉस के अंदर भी अफसाना को सपोर्ट कर रही थी और बाहर भी, जैसे वो आई शी कॉल्ड मी अप कि क्या हुआ, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से जो भी हुआ वो गलत हुआ, एंड जैसे ही मुझे खबर मिली थी तो मुझे ऑब्वियसली ये पता था कि उनको इस हद तक ले जाया गया होगा कि वो ऐसे ब्रेकडाउन उनका हुआ, और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं अंदर नहीं थी उनकी हेल्प करने के लिए, अगर शायद मैं होती अंदर तो एक होता है ना थोड़ा केयर एंड प्यार, जो ऐसा इश्यूज़ होते हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनको आई थिंक समझदारी से टेक केयर करना चाहिए और एम्पथाइज़ करना चाहिए, और किसी को भी इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए, वो मुझे बहुत बुरा लगा। आई जस्ट विश कि मैं अंदर होती तो मैं उनका ख्याल रख पाती। बिग बॉस से आने के लाइफ कितना चेंज हुआ, मैं निकली हूँ तो सब आप लोगों को इंटरव्यूज़ ही दे रही हूँ तब से इतने दिनों से, और सब लोगों ने मुझे ये ज़रूर कहा कि आप जिनसे भी मैं मिली हूँ भी ऑन रोड या कहीं पे भी बैठी हूँ जो भी है, तो सब लोगों ने मुझे यही बोला दैट वी आर मिसिंग यू इन बिग बॉस एंड यू आर द रियल पर्सन इनसाइड, और हम आप ही से कनेक्ट हो पाए थे, ऐसा मुझे लोगों ने बोला। आई थिंक लोग रियलिटी से कनेक्ट होते हैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोगों ने मुझे जैसी मैं हूँ वैसे पसंद किया और लोग मुझसे कनेक्ट हो पाए, लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। मैं एक फ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ और एक मीटिंग है तो उसी के लिए मैं आई हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ पकड़ लिया है, मुझे जाना है। वाइल्ड कार्ड एंट्री मैं नहीं कह सकती हूँ अभी, बट ज़रूर जो जनता है जिन्होंने मुझे इतना प्यार किया है मैं उनके लिए जा ज़रूर सकती हूँ, अपने लिए भले ही मैं ना जाना चाहूँ बट डेफिनेटली उनके लिए फैंस के लिए मैं ज़रूर जाऊँगी। हर रोज़ मैं देखती हूँ डोनाल्ड बिश्ट, नो बिग बॉस नो डोनाल्ड बिश्ट ऐसे करके ट्रेंड हो रहा है, और लोग चाहते हैं ब्रिंग बैक डोनाल्ड, ये सब चल रहा है, लोगों का प्यार है, लोगों ने मुझे प्यार किया, इतना समझा मुझे, और बस आई एम सो ग्लैड एंड फॉर्चुनेट आई थिंक। प्रतीक देखो उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, सलमान जो है वो पब्लिक को ऑब्वियसली कुछ गलत कोई मैसेज ना जाए कि वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, वो हमेशा लोगों को समझाने के तरीके से ही बात करते हैं कि लोग संभल जाएं अंदर जो भी है, और मैसेज जो हम लोग बाहर भेजना चाहते हैं वो एंटरटेनमेंट भेजना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं भेजना चाहते, इस तरीके से रहता है सलमान का हमेशा। अंदर जो होता है वो एक अलग दुनिया है, मैं कहूँगी आप भड़क जाते हैं, आप गुस्से हो जाते हैं, बट कौन किस तरीके से अपना मेंटल बैलेंस रख पाता है और कौन लूज़ कर देता है वो अंदर जो लोग हैं उन्हीं को समझ में आ सकता है, बाहर तो ऐसे ही दिखता है कि भैया प्रॉब्लम हो रही है या चिल्लम चिल्ली हो रही है, एंड प्रतीक इज़ करेजियस आई थिंक, वो कुछ आई होप कुछ गलत नहीं करेंगे, मैंने इतना देखा नहीं है अभी लास्ट, बट आई होप वो कुछ गलत नहीं करेंगे, थोड़े सेंसिबल लगते हैं मुझे। आप सब हंस रहे हैं देख रहे हो, हम लोगों में क्या बोलूँ सेज इट ऑल, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, आप लोगों को जो दिख रहा है आप लोग समझदार हैं, आपको रियल दिखता है और फेक दिखता है, सब कुछ दिखता है, तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। हाँ, किस तरीके से बिक रहा है वो भी फर्क पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। थैंक यू मैम, आइए मैं जाऊँगा।